वेलकम टू आर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। आज हम टॉपिक कवर करेंगे न्यूमेरिकल नॉन, फाइंड द इवन एंड ऑड कंपोनेंट ऑफ ए गिवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। लास्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए एक वीडियो बनाया था, आज हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। सो प्लीज शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का जो न्यूमेरिकल है वो है एक्स एन, जिसमें एक सीक्वेंस गिवन की हुई है हमें -2, 1, 2, -1 एंड 3। ये एरो मार्क शो करता है कि दिस वैल्यू इज एट जीरो। इट मींस अगर हम इंडेक्सिंग करते हैं इसकी, टाइम इंडेक्सिंग जिसको हम बोलेंगे, सो वो इंडेक्सिंग हमारे पास आएगी फर्स्ट पॉइंट -2 पे अवेलेबल है, सेकेंड पॉइंट -1 पे अवेलेबल है, और ये 0 पे अवेलेबल है, ये 1 पे अवेलेबल है, और ये 2 पर अवेलेबल है। सो इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि ये टाइम इंडेक्सिंग है हमारे पास। लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला दिया था कंटिन्यूस टाइम के लिए, और एक फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियोस में ड्राइव किया था इवन कंपोनेंट्स के लिए डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। फॉर्मूला है एक्स ई, दिस इज फॉर इवन कंपोनेंट, दिस इज फॉर इवन कंपोनेंट, राइट। सो फॉर्मूला इज एक्स इवन इज इक्वल टू 1/2 एक्स ऑफ एन प्लस एक्स माइनस वन। सो ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव किया था, एंड ऑड कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था ऑड कंपोनेंट्स के लिए, दैट वाज एक्स ओ एन इज इक्वल टू 1/2 एक्स एन माइनस ऑफ एक्स माइनस एन। सो दैट वाज द फॉर्मूला टू फाइंड द इवन एंड ऑड कंपोनेंट। यहां पे हम इसी फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो सबसे पहले हम इवन कंपोनेंट निकालेंगे। सो इवन कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, सो वो यहां हम रीराइट करेंगे सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो आप लोगों की, प्लस एक्स माइनस एन। सो ये हमारे पास इवन है। अब हमें डेटा वाइज निकालना है कि हमें एक्स इवन कंपोनेंट निकालना है एट पॉइंट जीरो। सो दैट विल बी, उसका फॉर्मूला बनेगा 1.2 एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस जीरो ब्रैकेट क्लोज। तो इन दो पॉइंट्स पर जो वैल्यू अवेलेबल है वो अवेलेबल है 2, 0 पर वैल्यू है 2 अवेलेबल। सो हम लिखेंगे 2 प्लस 2, यानी कि हम बिट वाइज बिट कैलकुलेट करने वाले हैं। दिस विल बी 2, 2 प्लस 2 इज 4 एंड 4/2 इज 2। नाउ दिस इज फॉर एट 0। इसी तरह से हम निकालेंगे एक्स इवन कंपोनेंट 1 पॉइंट के लिए, और उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे, तो आएगी एक्स 1 एन प्लस एक्स माइनस वन। सो दैट वॉज द फॉर्मूला। अब एक्स वन की वैल्यू कितनी है टाइम इंडेक्सिंग में देखेंगे, तो यहां माइनस वन वैल्यू है हमारे पास। सो दिस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर एक्स वन की वैल्यू जो कि माइनस वन है, प्लस एक्स माइनस वन जिसकी वैल्यू है 1, एंड इसको हम सॉल्व करेंगे, सो माइनस वन प्लस वन इज जीरो। नाउ इन द सेम वे एक्स इवन कंपोनेंट फॉर टू, फॉर डेटा पॉइंट एट टाइम इंडेक्सिंग 2, इसको कैलकुलेट करेंगे। यहां पे हम अगेन एक्स जो हमारे पास एन है वहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू आएगी एक्स ब्रैकेट स्टार 2 प्लस एक्स माइनस टू एंड ब्रैकेट क्लोज। सो ये जो वैल्यू आने वाली है दैट विल बी 1/2। एक्स टू पर हमारे पास वैल्यू कितनी है 3।
सो वी विल पुट 3 हियर, एन प्लस माइनस 2 पर वैल्यू है माइनस 2, सो इट विल बी माइनस 2 एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 1/2 एंड वी कैन मेक इट फर्दर. सो दीज आर द वैल्यू वी कैन कैलकुलेट. साइमल्टेनियसली वी कैन कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज एंड वी कैन रीच द एक्स ई एन. द फर्स्ट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2, 0 एंड 1/2. और 2 वैल्यू किस पे कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने कैलकुलेट की थी, 0 पर. ठीक है, सो वी विल पुट एरो हियर एंड दिस इज वैल्यू एट 1, दिस वैल्यू एट 2. एंड अब हम इसको अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पेंडिंग है. तो अब हम यहां पर माइनस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. एक्स ई माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी 1/2 एक्स माइनस 1 एंड प्लस ऑफ एक्स माइनस 1. सो ऐसे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस कम्स आउट टू बी 1/2 एक्स माइनस 1 एंड प्लस एक्स 1. सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट. और इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1/2 एक्स माइनस 1. सो माइनस 1 इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट. सो अगर ये पॉइंट हमारे पास है तो इसकी वैल्यू है 1 और प्लस 1 पर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है माइनस 1. सो दिस विल बी माइनस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रीच टू बी 0. तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी एट माइनस 1, दिस वैल्यू इज 0. इसी तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस 2 के लिए और दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/2 एक्स. नाउ हियर इट इज, हियर इट इज माइनस एन. सो वी कैन राइट माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स. नाउ हियर इट इज माइनस 2. तो माइनस 2 एंड माइनस विल बिकम प्लस 2. सो माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस 2. सो दैट विल बी प्लस 2. सो वी कैन जस्ट राइट इट 1/2 एक्स माइनस 2 एंड प्लस एक्स 2. सो दैट्स व्हाई वी कैन एनालाइज इट. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट माइनस 2, एट माइनस 2. सो दिस इज द वैल्यू. तो दिस विल बी माइनस 2 प्लस एक्स, एक्स 2, एक्स 2 इज वैल्यू इज 3 हेयर, राइट. सो इट विल बी एक्स, नॉट एक्स, 3. सो इट विल बी 1/2. सो वी कैन राइट 1/2. सो इस तरह से हम इवन कंपोनेंट अलग कर सकते हैं. इन द सेम वे अगर हमें ऑड कंपोनेंट अलग करना हो सो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है. सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर हैविंग, द सीट, दिस इज द फॉर्मूला. सो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला हेयर. सो दिस विल बी एक्स ओ एन इज इक्वल टू 1/2 एंड एक्स एन माइनस ऑफ एक्स माइनस एन. सो दैट इज द फॉर्मूला वी आर हैविंग. नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स ओ एट 1, नॉट 0. सो एक्स 0 हम कैलकुलेट करेंगे. सो दिस विल बी 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट एक्स 0 एंड माइनस एक्स ऑफ 0. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/2 0 माइनस 0, नॉट 0 माइनस 0, इट विल बी द वैल्यू इज दिस 2. So it will be 2-2. So it is comes out to be 0. Value xO at 1. This will be 1/2 bracket start x. Now this is 1. So this will be 1. So we'll take 1 minus x minus 1 bracket close is equal to. Now, what is the value of x at 1?
एक्स एट वन, सो दिस वैल्यू इज माइनस वन, सो वन बाय टू माइनस वन एंड माइनस ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एट माइनस वन, दिस विल बी वन, दिस विल बी वन, सो वी कैन राइट हेयर वन वैल्यू एट माइनस वन, दिस विल बी वन एंड वी कैन कैलकुलेट इट माइनस टू बाय टू, इट विल बी माइनस वन. सो नेक्स्ट वैल्यू एक्स ओ टू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सो दिस इज वन बाय टू ब्रैकेट स्टार्ट, सो दिस विल बी एक्स टू माइनस एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू वन बाय टू वैल्यू ऑफ एक्स एट टू, वैल्यू ऑफ एक्स एट टू दिस विल कम्स आउट टू बी थ्री, सो दिस इज थ्री एंड माइनस वैल्यू ऑफ एक्स एट माइनस वन एट माइनस टू, सो इट विल बी वैल्यू ऑफ एक्स एट माइनस टू, दिस विल बी माइनस थ्री माइनस टू सॉरी, सो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सो दिस विल कम्स आउट टू बी व्हेन वी सॉल्व इट दिस विल बी 2.5. फॉर सिंपलिसिटी हम इस आंसर को लिखना चाहेंगे सो दैट वी कैन फर्दर एनालाइज इट, जैसे हमने इवन कंपोनेंट के लिए किया था, ब्रैकेट स्टार्ट, हम पहले जीरो कंपोनेंट लिखेंगे, जीरो कंपोनेंट हमने अचीव किया था यहाँ पर जीरो कॉमा, और यहाँ पे 1.1 पर हमें कंपोनेंट अचीव किया था माइनस वन, और यहाँ पर हमने कंपोनेंट टू पे अचीव किया था 2.5. सो दीज आर द कंपोनेंट टिल नाउ वी आर अचीविंग. नाउ एक्स ओ माइनस वन पे हम अचीव करेंगे, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, वन बाय टू. नाउ द फॉर्मूला वी आर जस्ट राइटिंग फ्रॉम दिस एंड, दिस विल बी एक्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, माइनस वन की वैल्यू पुट करनी है, सो दिस विल बी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ एक्स माइनस एंड माइनस ऑफ वन, सो दिस काइंड ऑफ इक्वेशन वी आर हैविंग, राइट. इसको एनालाइज करेंगे, सो दिस विल बी वन बाय टू एक्स ऑफ माइनस वन एंड माइनस ऑफ एक्स ऑफ वन, सो इस टाइप से हमें इक्वेशन मिलेगी. अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वन बाय टू एक्स माइनस वन, सो एक्स माइनस वन इज वन एंड एक्स वन पर जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस वन, तो दिस विल बी टू बाय टू एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी वन. सो यहां पे हम वैल्यू लिखेंगे कि यहां पे वैल्यू हमारे पास वन आ रही है. लास्ट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, एक्स जीरो माइनस वन इज इक्वल टू दिस विल बी टू, सो माइनस टू पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज वन बाय टू. यहां से हम इस फॉर्मूले के थ्रू अगेन हम एन की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज एक्स माइनस टू एंड माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस टू, ठीक है, फाइन. सो इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, वन बाय टू हम माइनस साइन को एलिमिनेट करेंगे, एक्स माइनस टू एंड माइनस ऑफ एक्स टू, ठीक है. अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की माइनस टू पर, एक्स की वैल्यू माइनस टू पर क्या है, थ्री, सो इट विल बी नॉट थ्री, एक्स की वैल्यू माइनस टू पर वैल्यू है माइनस टू एंड एक्स की वैल्यू टू पर है थ्री, सो वी कैन राइट थ्री हेयर, और जो आंसर आने वाला है यहाँ पर वो आएगा माइनस फाइव बाय टू, इट मीन्स माइनस 2.5, और ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे माइनस 2.5, राइट. सो ये हमारे पास ऑड कंपोनेंट रिसीव हो गया हमें, दिस इज ऑड कंपोनेंट, और ये हमें रिसीव हुआ इवन कंपोनेंट. सो इस तरह से हम इवन एंड ऑड कंपोनेंट, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीक्वेंस गिवन हो तो हम कैलकुलेट करते हैं. सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल.